हेलो किड्स, टुडेज टॉपिक इज सिंगुलर एंड प्लूरल। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माय सेल्फ। माय नेम इज आकाश कुंतल एंड आई एम गोइंग टू टीच यू इंग्लिश। देखिए, हम देखते हैं, हमने पढ़ा है सिंगुलर एंड प्लूरल के बारे में। हम पहले भी पढ़ चुके हैं आपकी उसमें पिछली क्लास में, जिसमें मैंने बताया था सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन की डेफिनेशन और उसके बारे में। ठीक है, अब हम देखेंगे जब इसमें ई एस जोड़ेंगे, किसी भी सिंगुलर नाउन में ई एस जोड़कर उसको प्लूरल बनाना किस तरह से आता है। देखिए, जब किसी भी सिंगुलर नाउन के पीछे व्हेन ए सिंगुलर नाउन एंड विद, जब कोई भी सिंगुलर नाउन एंड होता है किससे, जब उसके लास्ट के वर्ड क्या हों, सी एच एस एच एस डबल एस ओ एक्स, ठीक है, जब इसके किसी के लास्ट के वर्ड क्या हो, डबल ये सारे वर्ड्स हो, सी एच एस एच एस डबल एस ओ एक्स, जैसे कि क्लास, क्लास के लास्ट के वर्ड क्या है, डबल एस, इस तरह से। ठीक है, लास्ट के वर्ड क्या हो, डबल एस ओ एक्स सी एच एस एच एस, तो वी एड ई एस, हम क्या कर देंगे, एड ई एस एड करेंगे टू मेक इट प्लूरल, उसको प्लूरल बनाने के लिए। ठीक है, सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या ऐड करेंगे, ई एस। ठीक है, जब हम क्या देखें, जब उसके लास्ट के वर्ड्स क्या हों, सी एच एस एच एस डबल एस एक्स। ठीक है, देखिए हम कुछ एग्जांपल हैं जिससे जिनकी हेल्प से हम समझते हैं। ये सिंगुलर है, इसको प्लूरल में चेंज करना है, जैसे बी ओ डबल एस। ठीक है, लास्ट का अल्फ़ाबेट क्या है, डबल एस, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, बी ओ डबल एस ई एस, ये प्लूरल हो गया। ठीक है, पीच, पी ई ए सी एच ई एस, पीचेस। फॉक्स, तो ये क्या हो जाएगा, फॉक्सेस, इस तरह से। ठीक है, जब ये लास्ट के वर्ड देखिए, सी एच था, यहाँ पर एक्स था, यहाँ पर डबल एस था, ये इसमें फाइंड कीजिए, सी एच है, ठीक है, और डबल एस है और एक्स है, तो ये अगर इस तरह के वर्ड हों, ठीक है, अल्फ़ाबेट हों किसी भी उसके पीछे, तो ई एस लगा देंगे हम टू मेक इट प्लूरल, क्या बनाने के लिए, प्लूरल बनाने के लिए। इसी तरह से आपकी वर्कशीट में कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं जिनको आपको फिल करना है। थैंक यू।